वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, 2x² - 9x + 10 = 0 व्हेन, यहाँ पे दो कंडीशन दी है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू एन मीन्स नेचुरल नंबर एंड व्हेन एक्स बिलोंग्स टू अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 16, 2x² - 9x + 10 = 0 व्हेन, पहला पॉइंट है जब कह रहा है x बिलोंग्स टू n और दूसरा पॉइंट है व्हेन x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 2x² - 9x + 10 = 0। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x² - 4x - 5x + 10 = 0। क्यों? क्योंकि -4 और -5 हो जाएगा -9। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 2 आ जाएगा, दूसरा x आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x - 2, इधर भी x - 2 और बहार क्या मिलेगा, -5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बन जाएगी 2x - 5 और एक बन जाएगी x - 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस अगर ये मानते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 5 = 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5/2 और x - 2 = 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ पहली कंडीशन क्या कह रही है, व्हेन x बिलोंग्स टू n, n मीन्स व्हाट, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और सेकंड केस में यहाँ पे कह रहा है x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, सो यहाँ पे रेशनल नंबर क्या हो सकता है, दोनों ही हो जाएंगे, 2 भी हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरा 5/2। ठीक है,